दर्दनाक हादसा हुआ ब्राजील के एक नाइट क्लब में। शनिवार की रात हुआ ये खौफनाक हादसा। नाइट क्लब में शो के दौरान आग लग गई। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 200 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुए ज्यादातर नौजवान थे। बदहवास लोग कि आखिर अंदर फंसे लोगों को कैसे निकाले। दमकल कर्मचारियों के सामने भी थी मुश्किल चुनौती, क्योंकि अंदर पूरी इमारत में धुआं भर चुका था। दक्षिण ब्राजील के सेंट मारिया शहर में यह है नाइट क्लब, जहां बीती रात आग लगी तो हाहाकार मच गया। आग पर काबू पाने तक धुआं इतना फैल गया था कि लोगों का दम घुटने लगा। दमकल कर्मचारियों ने दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन इस पूरी कोशिश के दौरान कई लोग मौत की नींद में सो चुके थे। जब शवों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे इलाके में मातम फैल गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी तक नाइट क्लब के अंदर राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।